कहते हैं क्रिकेट पूरी तरह से संभावनाओं पर आधारित होता है। इस खेल में खेल के साथ ही खिलाड़ियों को लेकर भी तमाम तरह की संभावनाएं बनती और बिगड़ती हैं। भारतीय टीम में एक दौर था जब बड़े राज्य के खिलाड़ी टीम इंडिया का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ अब उसमें भारी बदलाव देखने को मिला। अब छोटे राज्यों के खिलाड़ी भी भारतीय टीम में शामिल होने लगे हैं, खासकर से जब महेंद्र सिंह धोनी की भारतीय टीम में एंट्री हुई है, उसके बाद से छोटे राज्य के खिलाड़ी भी अब अपने सपनों को पंख देने लगे हैं। पिछले कुछ सीजन में भारतीय टीम में मुकेश कुमार, ईशान किशन की एंट्री हुई, यह दिखाता है कि भारतीय टीम में अब प्रतिभाओं को रोका नहीं जा सकता। जब से भारत में आईपीएल की शुरुआत हुई है, उसके बाद से खिलाड़ियों की एक लंबी फौज तैयार हो गई। ऐसे में हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि हमारे आसपास का कोई लड़का आईपीएल या फिर भारतीय टीम में खेलता हुआ दिखाई दे सकता है। आईपीएल 2024 की शुरुआत मार्च महीने में होगी, उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। पिछले दिनों खिलाड़ियों के रिटेन और रिलीज की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनी, कई खिलाड़ी इधर से उधर गए। ऐसे में बिहार के लाल अभिषेक यादव का चयन गुजरात टाइटंस में हुआ है। अभिषेक कुमार ने बिहारी न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि शुरुआत काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। 2016 में मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया, उस समय मैं एक कोचिंग में जाया करता था, टॉपर्स क्लास है, जहाँ पे राहुल सर हुआ करते थे। स्टार्टिंग में फैमिली का सपोर्ट तो मिलता नहीं था, बट बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद मेरे सर ने फैमिली को कॉन्विंस किया। उसके बाद मैंने सम्राट क्रिकेट एकेडमी से अपना करियर स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम तक गोरखपुर में क्रिकेट खेला, उसके बाद मैं कोलकाता में आया। ऐसे ही जर्नी चलती गई। फिर मैंने 2019 में बिहार अंडर 17 खेला और 2020 में इंडिया अंडर 16 के लिए खेला। जर्नी काफ़ी ही बेहतरीन रही, इंटरेस्टिंग रही। और उसके बाद से मैंने तरह तरह के लीग्स खेले, ऑस्ट्रेलियन जूनियर प्रीमियर लीग और श्रीलंका में भी काफ़ी मैचेस खेला, और लास्ट ईयर आरसीबी के ट्रायल्स में था और करेंटली टाइटंस ने बुलाया है रिजर्व प्लेयर के रूप में। इस बीच में मेरे फिटनेस को शिवम सर ने काफ़ी अच्छे से देखा, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर मेरे हिसाब से। और उसके बाद जो मेरे बॉलिंग कोच है महबूब अली जैकी सर, ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग कोच इन द वर्ल्ड, बिकॉज उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरे बॉलिंग को इम्प्रूव करने में और मैंने बहुत इम्प्रूव किया। और गुजरात टाइटंस ने रिजर्व प्लेयर के लिए बुलाया, मैंने लास्ट ईयर भी टाइटंस के लिए ट्रायल्स दिया था, इस बार भी मुझे गुजरात ने अप्रोच किया था, मैं गया भी था, तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो यही है, और आगे का कुछ इतना सोचा नहीं हूँ, बस प्रोसेस पे ध्यान देना और आगे की तरफ बढ़ते जाना। अपने हाथ में हार्डवर्क है, बाकी अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, हार्डवर्क करना है और प्रोसेस के हिसाब से गुजरना है। अभिषेक के चयन पर उनके जिले, उनके गांव में खुशी का माहौल है। अभिषेक के पिता अशोक कुमार यादव ने खुशी जाहिर करते हुए अपने बेटे को आशीर्वाद दिया है। इस दौरान अभिषेक की मां ने बताया कि वह अपने बेटे को ब्लू जर्सी में देखना चाहती है। अभिषेक के ट्रेनर रहे शिवम जायसवाल बताते हैं कि अभिषेक बहुत ही मेहनती लड़का है, यह लड़का आने वाले दिनों में भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए दिखाई देगा। उन्होंने बताया कि जिस तरह से इस लड़के का फिटनेस है, उसे देखते हुए लगता है कि यह बहुत ही प्रतिभाशाली है। साथ ही साथ अभिषेक ने यह भी बताया कि उनके क्रिकेट जीवन को सरल बनाने में, उन्हें आगे बढ़ाने में उनके कोच रहे महबूब अली जैकी का बहुत बड़ा योगदान रहा। महबूब अली जैकी बांग्लादेश विनिंग अंडर 19 टीम के बॉलिंग कोच रहे हैं। अभिषेक ने अपने शिक्षक राहुल मल्होत्रा और रोहित मल्होत्रा को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभिषेक के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।